हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम एक बेसिक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसकी दोनों टाइप्स एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज में सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमने देखा था कि सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड और साथ ही साथ नो सेक्स सेल्स आर रिक्वायर्ड, यहां हमें सेक्स सेल्स का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Only one parent is needed to produce new organism. A part of parent organism separates from parent and grows as new organism. यहाँ पे क्या होता है? एक सेल जो है वो ग्रो करता है और आगे चल के दो नए ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है, या फिर अ पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक सेल डिविजन टू फॉर्म वन और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। या तो कुछ पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कुछ सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, बड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि आगे चल के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इसी तरह से हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिपीटेड माइटोटिक सेल डिविजन्स होती हैं। सेल डिविजन के ऊपर मैं एक डिटेल्ड लेक्चर बना लूंगी, वो आप लोग देख लेना ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करके अपनी जैसी सिमिलर दो नए सेल्स बनाता है। यहाँ पे जो पेरेंट सेल होता है और जो डॉटर सेल्स होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं। ये सेल्स आगे चल के फिर से डिवाइड करते हैं और अपने ही जैसे सिमिलर दो और नए सेल्स बनाते हैं। इसी तरह से माइटोसिस के केस में जो नए सेल्स बनते हैं वो हमेशा पेरेंट सेल से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मैंने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पिक्चर बनाई है। ये हमारा पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल जो है ये ग्रो करता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस की डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और ये सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दिस इज डॉटर सेल वन एंड दिस इज डॉटर सेल टू। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कई तरह से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स होते हैं। जनरली इसके सिक्स डिफरेंट मोड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फिशन। फिशन का मतलब होता है टू ब्रेक। सो फिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टूट जाता है और दो ऑर्गेनिजम्स बनाता है। दूसरा प्रोसेस है बडिंग। प्रीवियस वीडियो में भी हम बडिंग के बारे में बात कर चुके हैं। बडिंग में जो पेरेंट सेल है उसके कुछ सेल्स डिवाइड होकर एक बड बनाते हैं अपने सरफेस पे, जो कि आगे चल के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तीसरा मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में एक सेल बहुत सारे स्पोर्स बनाता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्पोर्स बोलते हैं, जो कि आगे चल के नए ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और हर एक फ्रेगमेंट आगे चलकर नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। उसके बाद आता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली दो या दो से ज्यादा पीसेस में टूट जाता है तो हर एक पीस आगे चलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। और लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें प्लांट्स के केस में देखने को मिलती है। प्लांट्स के केस में हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि रूट्स, शूट्स, लीव से देखते हैं कि नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिन्हें हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फिशन की, तो फिशन का मतलब ही होता है टू ब्रेक। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। स्प्लिट होने का मतलब होता है टू ब्रेक। तो यहां पर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये स्प्लिट हो जाता है दो ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि टूट जाता है और जो दो पीसेस हैं वो नए ऑर्गेनिज्म बना देते हैं।
फिशन का प्रोसेस जो है वो हमें सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा, पैरामीशियम, लीशमानिया, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स में हमें फिशन देखने को मिलती है, यानी कि ये सब ऑर्गेनिजम्स फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, ग्रो करके ये एक मेच्योर साइज अटेन कर लेगा। मेच्योर साइज अटेन करने के बाद इसका जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेट होना शुरू हो जाता है और इलोंगेट होकर दो में ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है और एक दूसरा न्यूक्लियस है। इसके बाद इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा थोड़ा इन दोनों सेल्स के आगे पीछे इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद इस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट होना शुरू हो जाती है। इनवेजिनेट होकर ये बनाती है एक क्लीवेज फर्रो। ये क्लीवेज फर्रो कैसे बनता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है। ये अंदर की तरफ एक्सटेंड होती जाती है और फाइनली ये सेल दो डॉटर सेल्स में ब्रेक हो जाता है। इस तरह से हमें दो नए ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। फिशन की अगर हम बात करें टाइप्स की, तो फिशन जो है दो तरह की होती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड। फिशन के बाद कितने नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, इस कितने नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उस बेसिस पे फिशन जो है इसे हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो फिशन के दो टाइप्स होते हैं, एक है बाइनरी फिशन जहां एक ऑर्गेनिज्म से हमें दो डॉटर सेल्स मिलते हैं, और दूसरा है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में हमें मल्टीपल डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिशन की। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर डिवीजन। तो एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसने डिवाइड किया दो नए ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ पे क्या हुआ, जो पेरेंट सेल है उसी की बॉडी जो है वो दो नए ऑर्गेनिजम्स में टूट गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म दो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका खुद का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया, यानी कि अब पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करना बंद हो गया क्योंकि उसने टूट कर दो डॉटर सेल्स बना दिए, करेक्ट। बाइनरी फिशन हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन कैसे होता है, बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अमीबा की। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में ये एक पेरेंट अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा जो है ये मेच्योर होता है। मेच्योर जब ये हो जाता है तो इसका न्यूक्लियस जो है ये इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने का मतलब वो है कि न्यूक्लियस जो है वो रेप्लीकेट कर रहा है, यानी कि वो अपने ही जैसी एक और कॉपी बना रहा है। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करके अपनी जैसी एक और कॉपी बना लेता है और ये दोनों कॉपीज एक दूसरे से दूर मूव हो जाती हैं। इसके बाद इनके आगे पीछे साइटोप्लाज्म जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है, क्लीवेज फर्रो जो है वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है, ये क्लीवेज फर्रो एक्सटेंड होती जाती है और ये अमीबा दो डॉटर अमीबा में ब्रेक हो जाता है। ये है फर्स्ट डॉटर सेल और ये है सेकंड डॉटर सेल। आप लोग यहाँ से इसे रीड भी कर सकते हो और अगर आप नोट्स लेना चाहते हो यहाँ से तो आप यहाँ से इसे नोट भी कर सकते हो, ये आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए आप लोग इसे रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फिशन का एक और एग्जाम्पल है जो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम में देखने को मिलता है। पैरामीशियम जो है ये वाटर में रहने वाला एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो हमें रिवर्स में फ्रेश फ्लोइंग जो स्ट्रीम्स होती हैं उनमें देखने को मिलता है। इसके पास थ्रेड लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो इसे वाटर में स्विम करने के लिए मूव करते हैं। अगर हम पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो पैरामीशियम के पास एक ही लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला, और कुछ छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया। ये सीलिया और फ्लैजिला इस पैरामीशियम को वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक ये स्ट्रक्चर है स्टार लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के पास, इसके पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक है मैक्रो न्यूक्लियस जो कि बड़ा होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो एक मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि छोटा होता है। इसके बाद इसके पास एक ओरल ग्रूव प्रेजेंट है जो इसको फीडिंग में हेल्प करती है, और वैसे ही इसकी तरह एक और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसके पास में प्रेजेंट होता है। अब ये जो पैरामीशियम है, जब ये ग्रो करता है और अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये ग्रो होता है और एक अडल्ट बन जाता है। जब ये अडल्ट बन जाता है, अब इसे डिवाइड करना है यानी कि रिप्रोड्यूस करना है, तो इसमें क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये दोनों डिसअपियर होना शुरू हो गए। इसके अलावा यहाँ पे जो ओरल ग्रूव प्रेजेंट था वो भी डिसअपियर होने लगा। साथ ही साथ इसका जो मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। जब इसमें ये सब प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसके थोड़ी टाइम बाद हम देख सकते हैं कि जो पैरामीशियम है ये दो नए पैरामीशियम में डिवाइड होने वाला है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ओरल ग्रूव और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो है ये दोबारा से ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनका दोबारा फॉर्मेशन होने लगता है। जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे थे वो डिवाइड होके एक दूसरे से दूर मूव हो जाते हैं, और फाइनली यहाँ पर भी एक क्लीवेज फरो जो है वो डेवलप होता है और ये पैरामीशियम दो डॉटर सेल्स में टूट जाता है। इस तरह से पैरामीशियम में भी हमें बाइनरी फिशन देखने को मिलती है। यहाँ से आप ये सारा रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल फिशन की। मल्टीपल फिशन के केस में हमें मल्टीपल डॉटर सेल्स मिलते हैं। मल्टीपल डॉटर सेल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। इन मल्टीपल फिशन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस हैपन्स इनसाइड अ सिस्ट। ये जो प्रोसेस है ये एक सिस्ट के अंदर होता है। अब कुछ सेल्स में क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जिस टाइप पे सिचुएशंस जो है वो फेवरेबल नहीं होती, तो ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने आगे पीछे एक हार्ड कवरिंग बना देते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इस सेल को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसे हम इस हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं सिस्ट। इसी सिस्ट के अंदर ये जो सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डिविजन्स होती हैं और बहुत सारे डॉटर सेल्स यहाँ बन जाते हैं। सिस्ट इज अ हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल दैट फॉर्म्स अराउंड एन ऑर्गेनिज्म व्हेन द एनवायरमेंट इज अनफेवरेबल। इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स एंड फॉर्म्स न्यूमरस स्मॉल न्यूक्लियाई कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। अराउंड ईच न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म इज एक्युमुलेटेड। When the favorable conditions return, the cyst breaks, releasing the daughter nuclei in environment. Each daughter nuclei then grows into an individual organism. तो ये प्रोसेस कैसे होता है? ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ये अपने अराउंड एक सिस्ट को डेवलप कर लेता है। इस सिस्ट के अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो बना लेता है। इस सेल का जो न्यूक्लियस है ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना देता है। जब फेवरेबल कंडीशंस दोबारा आती हैं, जब यहाँ पे हमें दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फॉर एग्जांपल हमें मॉइस्चर मिल गया, फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनिज्म को एक फेवरेबल मॉइस्चर और टेम्परेचर मिल गया, तो ये जो सिस्ट है सिस्ट ब्रेक हो जाती है। जैसे ही ये सिस्ट ब्रेक होती है, इसके अंदर जो बहुत सारे न्यूक्लियाई बने थे वो एनवायरमेंट में आ जाते हैं। हर एक न्यूक्लियाई जो है वो एक डॉटर न्यूक्लियाई है और ये आगे चलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इस तरह से मल्टीपल फिशन देखने को मिलती है। मल्टीपल फिशन की एग्जाम्पल की बात करें तो मल्टीपल फिशन हमें प्लाज्मोडियम के केस में देखने को मिलती है। प्लाज्मोडियम जो है ये एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया कॉज करता है, यानी कि ये एक मलेरियल पैरासाइट होता है।
पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो मलेरिया का जो ये जो यूनिसेलुलर सेल है प्लाज्मोडियम का, ये क्या करता है, ये ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी कि ये ह्यूमंस की बॉडी में सर्वाइव करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम जो है ये एक मलेरियल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया का पैरासाइट है, और ह्यूमन बींग्स की बॉडी में हमें ये देखने को मिलता है। ये मल्टीपल फिशन से डिवाइड करता है। ये प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम है जिसने ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अपने आगे पीछे एक सिस्ट को डेवलप किया हुआ है। प्लाज्मोडियम के केस में जो सिस्ट होती है उसे हम कहते हैं काइजोंट, इसे हम कहते हैं काइजोंट। अब इस काइजोंट के अंदर जो प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस है ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना देता है। ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं इन्हें हम कहते हैं मीरोजॉइट्स। इन्हें हम नाम देते हैं मीरोजॉइट्स। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, तो ये जो स्काइजोंट है ये ब्रेक हो जाता है, और ये स्काइजोंट जैसे ही ब्रेक होता है तो ये जितने भी मीरोजॉइट्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं। ये सारे मीरोजॉइट्स जो हैं ये रिलीज हो जाते हैं और मल्टीपल डॉटर सेल्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं, मल्टीपल डॉटर सेल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर होता है। ये प्लाज्मोडियम जब लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, जब ये लीवर में प्रेजेंट होता है तो ये अपने आगे पीछे एक सिस्ट को डेवलप कर लेता है। जैसे ही ये ब्लड के अंदर आता है, इसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं और इसका स्काइजोंट ब्रेक हो जाता है और ये सारे के सारे डॉटर सेल्स यानी कि सभी मीरोजॉइट्स जो हैं ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। A cyst called schizont is formed around the parasite. The nucleus divides multiple times. The schizont breaks and releases the daughter nuclei when favorable conditions arrive. Each daughter nuclei grows into new plasmodium. और हर एक daughter cells जो है वो नया plasmodium बना लेते हैं और हमारी body में जो infection है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये थी फिशन की बात। अब हम बात करेंगे बडिंग के बारे में। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड फॉर्म्स अ बड व्हिच डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी टू ग्रो एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। बडिंग के केस में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के कुछ सेल्स डिवाइड करते हैं और एक बड को फॉर्म करते हैं। आगे चल के ये जो बड है ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। बड इज अ स्मॉल आउटग्रोथ दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म्स बॉडी। इट कैन बी सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। बडिंग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स दोनों में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हाइड्रा जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट इज अ स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ईस्ट एक फंगस है, एक फंजाई है जो कि बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। एक छोटा सा बड जो है वो सरफेस पे अपीयर होना शुरू हो जाता है। जैसे ये एक ईस्ट सेल है और इस ईस्ट सेल की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड अपीयर होना शुरू हो गया, यानी कि कुछ सेल यहाँ पे जो सेल है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है और एक छोटा सा बड बन जाता है। न्यूक्लियस एलोंगेट्स एंड डिवाइड्स। साथ ही साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एलोंगेट हो रहा है। इलोंगेट होकर ये जो न्यूक्लियस है ये दो में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो जाता है इंटू टू न्यूक्लियाई। वन ऑफ द न्यूक्लियस माइग्रेट्स इंटू द बड और एक न्यूक्लियस जो है वो निकल कर बड में चला जाता है। द बड ग्रोज एंड निप्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट टू ग्रो एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये बड जो है ये ग्रो करता है और पेरेंट की बॉडी से निप ऑफ हो जाता है।
निप ऑफ होने का मतलब होता है टूट जाना। ये बड निप ऑफ हो जाता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, यानी कि दो ईस्ट सेल्स बन जाते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, बड पेरेंट की बॉडी के साथ में अटैच होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बड है ये पेरेंट की बॉडी के साथ में ही अटैच है और इसके ऊपर एक नया बड बन गया। अब ये बड भी पेरेंट बॉडी के साथ अटैच है और इसके ऊपर एक और नया बड बन गया। इस तरह से पेरेंट बॉडी के साथ में ही नए नए बर्ड्स जो हैं वो बनते जाते हैं, और आगे चल के ये जो सभी बर्ड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और बहुत सारे डॉटर सेल्स यहाँ पे बन जाते हैं। लेटर ऑन ऑल द सेल्स सेपरेट एंड बिकम सेपरेट ऑर्गेनिजम्स। तो ईस्ट के केस में, यूनिसेलुलर सेल्स के केस में इस तरह से बडिंग होती है। अब मल्टी सेलुलर सेल्स, जैसे कि हाइड्रा के केस में क्या होता है, मल्टी सेलुलर हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल दैट हैज सिलेंड्रिकल बॉडी विद अ माउथ एंड टेंटिकल्स एट एपेक्स एंड बेस अटैच टू द सबस्ट्रेटम। तो हाइड्रा के केस में क्या होता है, हाइड्रा जो है ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसके एपेक्स पे यानी कि यहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको फीडिंग में हेल्प करते हैं, और जो बेस है वो सबस्ट्रेटम यानी कि ग्राउंड के साथ में अटैच रहता है। हाइड्रा जो है ये हमें यूजुअली वाटर में देखने को मिलता है। अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ इट्स बॉडी बाय रिपीटेड सेल डिविजन्स। अब हाइड्रा की बॉडी के अंदर क्या होता है, एक बड जो है वो अपीयर होता है, रिपीटेड डिविजन्स यहाँ पर होती हैं और एक बड जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। द बड ग्रोज एंड डेवलप्स अ टाइनी माउथ एंड टेंटेकल्स फॉर्मिंग अ स्मॉल हाइड्रा। अब ये जो बड है इसका भी एक छोटा सा माउथ अपीयर हो जाता है और छोटे छोटे टेंटेकल्स जो हैं वो इसके अपीयर हो जाते हैं, पर यहाँ पे एक स्मॉल हाइड्रा पेरेंट बॉडी के साथ में ही एक और स्मॉल हाइड्रा जो है वो अपीयर हो जाता है। द स्मॉल हाइड्रा देन डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड ग्रोज एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो हाइड्रा है, जो न्यू हाइड्रा यहाँ अपीयर हुआ था, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है, ये बन जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा के केस में इस तरह से बडिंग होती है। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, कुछ वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जेस, उनमें जो बड है वो पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहता है और कॉलोनी फॉर्म हो जाती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कॉलोनी में यानी कि ग्रुप्स में रहते हैं, उनके केस में क्या होता है, जो न्यू सेल्स बनते हैं वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ में ही अटैच रहते हैं और एक कॉलोनी की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड मेथड की, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स इंक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड स्पोर केस। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोर्स। ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर केसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स के बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं स्पोर्स। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसे स्पोर केसेस प्रेजेंट होते हैं, पाउचेस प्रेजेंट होते हैं कुछ, जिनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। स्पोर्स आर दी टोटीपोटेंट रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स जो हैं ये टोटीपोटेंट रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। अब टोटीपोटेंट बॉडीज क्या होती हैं, टोटीपोटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। टोटीपोटेंट सेल्स जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की। ये जो स्पोर्स होते हैं ये सिंगल सेल्स होते हैं और इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। द स्पोर केसेस बर्स्ट एंड रिलीज हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स इन एयर। अब ये स्पोर केसेस जब मैच्योर हो जाते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं, ये खुल जाते हैं और इसके अंदर जो हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स बने थे वो एयर में रिलीज हो जाते हैं। दीज स्पोर्स लैंड ऑन फूड, सॉइल, वाटर और एनी अदर सरफेसेस। ये स्पोर्स जो हैं ये किसी भी सरफेस के ऊपर लैंड करते हैं। व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल दीज स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये जो स्पोर्स होते हैं फेवरेबल कंडीशंस में नए ऑर्गेनिजम्स में
कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, ये जो सॉइल यहाँ पे, ये सॉइल के साथ अटैच है, ये इसमें बहुत सारे स्पोर के, इसके अंदर ये स्पोर केसेस प्रेजेंट है जिनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं। जब जब ये स्पोर केसेस मेच्योर हो जाते हैं, ये बर्स्ट ओपन हो जाते हैं। जैसे ये स्पोर केस जो है ये बर्स्ट ओपन हो गया और ये जो स्पोर्स हैं ये एयर में चले जाते हैं। धीरे धीरे ये स्पोर्स क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर लैंड करते हैं। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये फूड भी हो सकता है, कुछ भी मटेरियल हो सकता है जिसके ऊपर ये लैंड करते हैं। जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, जैसे यहाँ पे ये स्पोर्स जो है वो लैंड कर गए, जैसे इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, जैसे मॉइस्चर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये न्यू ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। या अब इस ऑर्गेनिज्म ने दोबारा से स्पोर्स बनाए, ये स्पोर्स दोबारा से यहाँ लैंड कर गए और नए ऑर्गेनिजम्स बन गए। टोटिपोटेंसी के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, इट इज एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंशिएटेड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने अपना फंक्शन अटेन किया होता है। तो जो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जितने भी डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं बॉडी के, डिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि जैसे ये सेल्स हैं इनका काम है ईयर्स बनाना, ये सेल्स हैं इनका काम है आईज बनाना, तो ये जो सेल्स हैं ये डिफरेंशिएटेड हैं, यानी कि इनको पता है कि इनका क्या फंक्शन है। ऐसे सेल्स जिनको उनका फंक्शन असाइन होता है, यानी कि उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या फंक्शन कर रहा है, उन्हें हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो जो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल्स को बनाते हैं जो कि आगे चल के बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स को बनाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन की एग्जाम्पल जो है वो हमें देखने को मिलती है ब्रेड मोल्ड में, जिसका नाम होता है राइजोपस। राइजोपस नाम का एक ईस्ट होता है जिसमें हमें स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अ ब्रेड मोल्ड कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। अब ये जो ब्रेड मोल्ड होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं हाइफे। दैट हेल्प इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। ये जो हाइफे होते हैं ये सबस्ट्रेटम के साथ में अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अ स्टेम हैविंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम दैट कंटेन्स स्पोर्स। इसके अलावा ये जो हाइफे हैं इनके ऊपर स्टेम्स प्रेजेंट होती हैं और इन स्टेम्स के एंड पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है ये स्पोर केस होते हैं। स्पोरेंजियम जो होते हैं ये स्पोर केसेस होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। द स्पोर केस बर्स्ट एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर व्हिच देन लैंड ऑन फूड एटसेट्रा। Under suitable conditions, these spores germinate and grow into mold, which then forms more spores. In this way, colony is formed. अब जैसे ये स्पोरेंजियम मेच्योर होते हैं, ये बर्स्ट होते हैं और अपने स्पोर्स को एयर में रिलीज कर देते हैं। ये लैंड करते हैं सबस्ट्रेटम पे, जो कि फूड हो सकता है, मॉइस्ट क्लोथ्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और वहाँ पे जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये स्पोर्स जो हैं ये नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं और यही प्रोसेस जो है आगे कंटिन्यू होता जाता है। नए स्पोर्स बनते जाते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स बनते जाते हैं। अब जो नेक्स्ट मोड है वो है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जो है वर्ड से ही पता चलता है, टू री का मतलब होता है अगेन, तो रीजेनरेशन का मतलब होता है टू जेनरेट अगेन। रीजेनरेशन में क्या होता है, द जेनरेशन ऑफ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रीजेनरेशन। बॉडी के किसी एक पार्ट से बाकी के बॉडी पार्ट्स का डेवलप होना उसे हम कहते हैं रीजेनरेशन। मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये दो हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा ये है एक हिस्सा ये है। अब इसके पास है आईज, इस हिस्से के पास है, मान लेते हैं कि इस हिस्से के पास आईज है और इस हिस्से के पास में लेग्स हैं, इस ऑर्गेनिज्म की आईज हैं और लेग्स हैं। अब यहाँ क्या होता है, अब ये जो दो पीसेस हैं, एक के पास आईज हैं एक के पास लेग्स हैं, जिसके पास आईज हैं वो लेग्स डेवलप कर लेगा और जिसके पास लेग्स हैं वो आईज वाला पार्ट डेवलप कर लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में, अब इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, जो इसके मिसिंग पार्ट्स थे उन्हें जनरेट कर लिया, और जब इसने अपने मिसिंग पार्ट्स को जनरेट किया तो ये दो नए ऑर्गेनिजम्स बना देगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जो है ये हमें कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, जैसे प्लानेरिया और
हाइड्रा. सम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक लिजर्ड कैन ग्रो अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी इफ लॉस्ट. अब कुछ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे लिजर्ड. अब सिंपल ऑर्गेनिजम्स और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये हम पिछली बेसिक वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो. तो कुछ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे लिजर्ड. लिजर्ड में आपने देखा होगा कि लिजर्ड की अगर टेल टूट जाती है, टेल अगर उसकी ब्रेक हो जाती है, तो वो अपनी टेल दोबारा डेवलप कर लेती है. तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी बॉडी के कुछ हिस्सों को दोबारा जनरेट कर सकते हैं. अब अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होती है. प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म दैट हैज अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन. प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है जिसके पास पावर ऑफ रीजनरेशन है. ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है. अगर प्लेनेरिया की बॉडी जो है वो कट हो जाती है दो या दो से ज्यादा पीसेज में, तो हर एक पीस ग्रो करके एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट कर देता है अपने मिसिंग पार्ट से. फॉर एग्जांपल ये एक प्लेनेरिया है हमारे पास, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी बॉडी जो है 1, 2, 3, 4 मिसिंग पार्ट्स, 4 जो है पीसेज में डिवाइड हो जाती है. अब ये जो 4 पीसेज हैं ये क्या करेंगे, ये अपने मिसिंग पार्ट्स को डेवलप करेंगे. डेवलप मिसिंग पार्ट्स, इनकी बॉडी में जो भी पार्ट मिसिंग होगा, जैसे इस बॉडी में टेल मिसिंग है तो ये टेल बना लेगा. इसके पास हेड और टेल दोनों मिसिंग है तो ये हेड और टेल दोनों बना लेगा. इसके पास भी हेड और टेल दोनों मिसिंग है तो ये भी हेड और टेल दोनों बना लेगा. इसके पास हेड मिसिंग है तो ये हेड बना लेगा. और इस तरह से हमें 4 नए प्लेनेरिया मिल जाते हैं, 4 न्यू प्लेनेरिया बन जाते हैं. अब रीजनरेशन होती कैसे है ये देखते हैं. द सेल्स ऑफ कट बॉडी पार्ट रैपिडली डिवाइड फॉर्मिंग बॉल ऑफ सेल्स. ये जो मान लेते हैं कि ये हमारे पास प्लेनेरिया है, ये कट हो गया दो पार्ट में, ओके. ये इसका एक पार्ट है जिसके पास हेड है और एक पार्ट है जिसके पास में टेल है. ये हमारा प्लेनेरिया है जो कि कट हो गया, ठीक है. अब ये जो दोनों दोनों इसके पीसेस होंगे ये क्या करते हैं, ये रैपिडली डिवाइड करते हैं और एक बॉल ऑफ सेल्स बना लेते हैं. यानी कि ऐसे बॉल की फॉर्म में सेल्स का एक मास बना लेते हैं, एक लंप बना लेते हैं सेल्स का. ये जो सेल्स होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ये सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं. और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ये टोटीपोटेंट होते हैं, यानी कि ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं. अब क्या होता है, इस मान लेते हैं ये इसका हेड था और यहाँ पे इसका एक इसने लंप ऑफ सेल्स बना लिया. ये इसका टेल था, यहाँ पे इसने लंप ऑफ सेल्स बना लिया. अब ये जो नए सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ये क्या करते हैं, ये मिसिंग पार्ट्स को जनरेट करते हैं और मिसिंग पार्ट्स को जनरेट करके ये पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं. इस तरह से प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेट करता है. दीज सेल्स आर टोटीपोटेंट इन नेचर. ये जो बॉल ऑफ सेल्स बना ये टोटीपोटेंट है नेचर में. द सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड. ये सेल्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं. स्पेशलाइज्ड होने का मतलब होता है अपना फंक्शन अटेन करना, ठीक है. ये जो सेल्स थे ये अनडिफरेंशिएटेड थे, फिर इन्होंने अपना फंक्शन अटेन किया और ये स्पेशलाइज्ड हो गए. स्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने फंक्शन को पहचान चुके हैं एंड मूव टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस. ये सेल्स अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस पर मूव करते हैं और मिसिंग पार्ट्स को रीजनरेट करते हैं. फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फॉर्मिंग अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. और बाकी की इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी पूरी होती है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ओके. ये मैंने यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स के बारे में लिखा हुआ है कि स्पेशलाइज सेल्स क्या होते हैं. तो ये थे, ये हमने बात की रीजनरेशन के बारे में. अब हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है. तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म नेचुरली ब्रेक्स इंटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ विच देन ग्रोज इंटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में क्या हुआ था, रीजनरेशन में एक ऑर्गेनिज्म जो था वो एक्सीडेंटली पीसेज में टूट रहा था. जैसे प्लेनेरिया जो है वो एक्सीडेंटली पीसेज में टूट जाता है. प्लेनेरिया में जो नेचुरल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो रीजनरेशन नहीं होता ना. अगर एक प्लेनेरिया अपनी लाइफ में कभी कोई एक्सीडेंट को एनकाउंटर नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रीजनरेट नहीं करेगा. वो फिर भी रीजनरेट करेगा लेकिन वो किसी और मेथड से रीजनरेट करेगा. लेकिन अगर एक्सीडेंटली वो पीसेस में टूट भी जाता है, अगर वो एक्सीडेंटली पीसेस में टूट जाता है तो उसका हर एक पीस नया ऑर्गेनिज्म बना देता है.
तो इस तरह से उसमें एक्सीडेंटली रिप्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन के केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचुरली पीसेस में टूटता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मोड ही फ्रेगमेंट्स में टूट कर होने वाला है, अगर ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही इसी मेथड से करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है जब ये मेच्योर हो जाता है, ये ऑर्गेनिजम्स जब मेच्योर ऑर्गेनिज्म बनता है तो ये क्या करता है, ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो आगे जाके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देती है। इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है। द ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म अकर्स व्हेन इट मैच्योर्स, फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा सी एनिमोन। स्पायरोगायरा, अगर हम स्पायरोगायरा की बात करें तो स्पायरोगायरा जो है ये एक ग्रीन एल्गी है जो हमें वाटर में देखने को मिलती है। स्पायरोगायरा इज अ ग्रीन फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, इस तरह के थ्रेड लाइक फिलामेंट से बनी होती है जो कि वाटर बॉडीज में मिलती है। When it grows and becomes mature, it breaks its filaments into number of fragments. जब ये mature हो जाती है, ये हमारे पास एक spirogyra है, जब ये spirogyra mature हो जाता है तो ये आगे चल के छोटे छोटे fragments में टूट जाती है। ये हमारे पास तीन fragments हैं। Each fragment then grows into a mature spirogyra and again reproduces by the same process. अब ये तीनों fragments जो हैं ये कंप्लीट स्पायरोगायरा में ग्रो हो जाते हैं और हमें तीन डॉटर स्पायरोगायरा जो हैं वो मिल जाते हैं, हमें यहाँ पे तीन स्पायरोगायरा मिल रहे हैं। इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव का क्या मतलब होता है। यहाँ पे वेजिटेटिव का मतलब है वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, यानी कि बॉडी सेल्स। जो बॉडी सेल्स होते हैं जो बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो बनाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, और ऐसे बॉडी के सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं गैमेट्स या फिर सेक्स सेल्स, करेक्ट, या फिर हम उन्हें बोलते हैं जर्माइनल सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सिंपली हम उन्हें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, द प्रोसेस वेयर अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, बड एटसेट्रा ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम एक प्लांट, हम देखते हैं कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि स्टेम से, रूट से, लीफ से या बड से नए प्लांट्स बनते हैं। अभी कैसे होता है, द न्यू प्लांट अराइजेस फ्रॉम द बड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे ये लीफ है, ये स्टेम है, ये रूट्स हैं, इनके ऊपर बड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बड्स होते हैं ये टोटिपोटेंट होते हैं, यानी कि ये न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन बड्स से न्यू प्लांट्स मिलते हैं। दीज बड्स आर प्रेजेंट इन डॉर्मेंट स्टेट। ये जो बड्स होते हैं ये डॉर्मेंट स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। डॉर्मेंट स्टेट का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेट। ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं जब तक इन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती। व्हेन गिवन सूटेबल कंडीशंस दीज बड्स जर्मिनेट इनटू अ होल न्यू प्लांट। जैसे ही इन बर्ड्स को सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये बर्ड्स नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है वो हमें देखने को मिलती है घास में, ग्रासेस में, ब्रायोफाइलम में, पोटेटो में, मनी प्लांट में, गावा में, अनियन में, ट्यूलिप में और कई ऐसे प्लांट्स में। ब्रायोफाइलम को एग्जाम्पल लेके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ लीव्स और स्टेम। तो ब्रायोफाइलम के केस में लीव्स और स्टेम्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम ग्रोज बड्स इन देयर एजेस। जैसे ये एक ब्रायोफाइलम है, इसके जो लीव्स हैं उनके एजेस पे बड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज बड्स फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब क्या होता है, या तो ये जो बड्स हैं ये बड्स फॉल ऑफ कर जाते हैं प्लांट से,
या तो ये पूरा का पूरा जो लीफ है वो फॉल ऑफ कर जाता है प्लांट से। अब दोनों ही केसेस में क्या होता है, अगर बड्स टूटकर प्लांट पे गिरेंगे तो ये जो बड्स हैं जैसे ही सॉइल पे गिरते हैं इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, यानी कि इन्हें मॉइस्चर मिल गया, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिल गए, सब कुछ मिल गया। ये क्या करते हैं, ये रूट्स डेवलप करते हैं और शूट डेवलप करते हैं और न्यू प्लांट बना देते हैं, यानी कि न्यू ब्रायोफाइलम इनसे ग्रो कर जाते हैं। दूसरे केस में या तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा लीफ जो है वो गिर जाता है सॉइल में। इस केस में भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल गई और इन्होंने छोटे छोटे न्यू प्लांटलेट्स जो है वो बना दिए, जिनसे न्यू ब्रायोफाइलम के प्लांट जो है वो ग्रो करेंगे। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, ये जो ब्रायोफाइलम है इसकी लीव्स के ऊपर बड्स प्रेजेंट है, ये बड्स क्या करते हैं, इन्हें लीफ के ऊपर ही फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। जैसे कभी रेनी सीजन होता है तो इन्हें यहीं पे बहुत सारा मॉइस्चर मिल जाता है। जब इन्हें बहुत सारा मॉइस्चर मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स लीफ से इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, तो ये लीफ के ऊपर ही नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। इस केस में हमें ब्रायोफाइलम में लीव्स के ऊपर ही नए प्लांट देखने को मिल जाते हैं, और ये प्लांट्स जब थोड़े बड़े होते हैं तो ये गिर जाते हैं सॉइल में और यहाँ पे न्यू प्लांट्स ओरिजिनेट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, जो हमें ब्रायोफाइलम के केस में देखने को मिलती है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें पोटेटो के केस में देखने को मिलती है। पोटेटो जो है ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटेटो जो है इसे हम ट्यूबर बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम पोटेटो जो है ये क्या करती है, ये एक ही एक बहुत ही फ्लैशी स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे आपने पोटैटो को देखा ही होगा कि बहुत ही एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है पोटैटो का, तो इस केस में क्या होता है, कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं और बहुत ही फ्लैशी स्ट्रक्चर, सोलन स्ट्रक्चर बनाती हैं, सूजा हुआ, सोलन का मतलब होता है सूजा हुआ, तो एक थिकेंड एंड सोलन स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूबर्स। ट्यूबर्स आर अंडरग्राउंड रूट्स और स्टेम्स दैट स्टोर फूड एंड बिकम थिकेंड एंड सोलन। अब ये इतनी थिकेंड और सोलन क्यों होती है, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर करके रखा होता है, ये स्टार्च की फॉर्म में बहुत सारा फूड स्टोर करती हैं, इसलिए ये थिक होती हैं और सोलन होती हैं। द ओल्ड पोटैटोज डेवलप मैनी बड्स ऑन देयर आईज। अब आपने अपने घर में भी देखा होगा कि आपके घर में भी अगर पोटैटो प्रेजेंट हो तो थोड़े टाइम के बाद जब वो पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर हमें बड्स देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी आउटग्रोथ्स आना शुरू हो जाती हैं जिन्हें हम बड्स बोलते हैं, और पोटैटो के केस में हम उन्हें कहते हैं आईज। दीज बड्स आर ऑर्गन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स इन टू वेज। अब ये जो बड्स होते हैं ना, ये ऑर्गन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं, यानी कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। When these tuber with buds are sown in soil, each bud gives rise to a new potato plant. The buds can be collected from the tuber and sown in soil, each bud grows into a new plant. अब यहाँ पे भी दो चीज़ें होती हैं, या तो हम ये पूरा का पूरा potato soil में sow कर सकते हैं, या हमने पूरा का पूरा potato soil में sow कर दिया, या तो हम इन buds को collect करते हैं और इन्हें हम soil में sow करते हैं। दोनों ही केसेस में क्या होता है, अब ये जो बड्स होते हैं ये टोटिपोटेंट होते हैं, यानी कि ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पोटैटो है, इस पोटैटो से एक नया प्लांट जो है, न्यू स्टेम्स जो है, न्यू शूट्स अराइज होते हैं और न्यू पोटैटो प्लांट्स बन जाते हैं। या तो क्या होता है, ये जो बड्स होते हैं इन बड्स से नए पोटैटो प्लांट्स बन जाते हैं, और ये जो पोटैटो प्लांट्स होते हैं फिर इनके साथ में न्यू ट्यूबर्स जो है वो लग जाते हैं। यहाँ पे भी जब ये पोटैटो सड़ जाएगा तो यहाँ पर न्यू पोटैटोस जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें स्वीट पोटैटो में भी देखने को मिलती है। स्वीट पोटैटो के केस में भी हमें ये देखने को मिलती है, बस फर्क ये होता है कि स्वीट पोटैटो जो है ये अंडरग्राउंड रूट है, अंडरग्राउंड रूट है। पोटैटो जो होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है और स्वीट पोटैटो अंडरग्राउंड रूट होती है। तो स्वीट पोटैटो के केस में ऊपर शूट्स होती हैं, नीचे रूट्स होती हैं, और ये जो रूट्स होती हैं इनमें ट्यूबर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जो रूट्स होती हैं ये यहाँ पे थिक हो जाती हैं, फूड को स्टोर करती हैं और थिक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूबर्स। एंड यही ट्यूबर्स जो हैं ये आईज डेवलप करते हैं और इन्हीं आईज से फिर न्यू स्वीट पोटैटो प्लांट्स जो हैं वो जेनरेट होते हैं।
तो ये थे सभी मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इस वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट मोड्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा फिशन के बारे में, फिर हमने बडिंग के बारे में पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 6 मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हमने इस वीडियो में पढ़े। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की, जिसमें हम आर्टिफिशियली प्लांट से, पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की, जिसमें हम एक प्लांट के कुछ सेल्स या टिश्यू से न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।